जबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उन्होंने अपना नामांकन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना को सौंपा। इस मौके पर सीएम मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पीडी शर्मा के अलावा कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। आशीष दुबे ने नामांकन से पहले सीएम मोहन यादव से क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मैं प्रसन्नता है आज जबलपुर में नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए आज मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। मेरे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जो हमारे सेक्टर प्रभारी हैं, यहाँ के वर्तमान सांसद और सरकार के पीडब्ल्यू मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी और आशीष दुबे जी के लिए हम सब फॉर्म भरने आए हैं। जिस प्रकार से जनता का उत्साह उमंग दिखाई दे रही है, ये जीत के लक्षण है और कांग्रेस हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। पूरा हमारा प्रदेश माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश के साथ कदम से कदम मिला के मध्य प्रदेश चल रहा है। वातावरण जबरदस्त है और अभी तक के सारे रिकॉर्ड हम तोड़े हैं। वहीं नामांकन से पहले सीएम मोहन यादव ने रोड शो किया। इस दौरान सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे और कई और नेता भी इस रोड शो में उनके साथ शामिल रहे। पीछे वो जलूस है जिसमें मोहन यादव के साथ कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, विधायक इंदु तिवारी, विधायक अभिलाष पांडे, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, सभी लोग जबलपुर पहुंचे हैं। जगह जगह इस रैली का स्वागत किया जा रहा है और लोगों में भारी उत्साह है। यह रैली सीधे इसके बाद नामांकन स्थल यानी कि कलेक्ट्रेट की ओर जाएगी और उसके बाद मुख्यमंत्री जबलपुर से उन दो जगहों पर जाएंगे जहां इन्हें बालाघाट और छिंदवाड़ा में नामांकन कराना है।